गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। ऐतिहासिक महंगाई है सरकार में, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है और ये सब जानते होंगे चौतरफा भ्रष्टाचार चल रहा है सरकार में और देश के सौहार्द को मिटाने के लिए भी साजिश चल रही है। नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को, ममता जी ने लड़ने के लिए कहा, इसलिए कांग्रेस को मनाना चाहिए। कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है छोटे दलों को साथ लाने वाली सरकार ये संकल्प दिलाती है नौजवानों को। आज गणतंत्र दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरीके से फौज की पहले भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती होगी। अग्नि व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म की जाएगी। किसान जो कुछ खरीदा उस पर जीएसटी ले रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों पर पैसा ले रहे हैं, सब महंगा कर दिया। और खाद की बोरी तो पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखा है उन्होंने बीजेपी के लोगों। हमारे घर में कई मंदिर हैं। किस भगवान की मंदिर की बात कर रहे हो आप? इटावा में भी हमारे घर में बहुत हम लोग सपोर्ट कर, इसीलिए बोल रहे हैं चलाइए, कौन रोकता है तुम्हें? हैं तुम पे ही नहीं आई, तुम पे है नहीं कुछ। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का इत्र नगरी कन्नौज का दौरा, देर शाम दिवंगत मेजर एनसी टंडन के आवास पहुंचे। शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के पश्चात हुए पत्रकारों से रूबरू। प्रेस वार्ता में सपा मुखिया ने कह दी बड़ी बात, जिससे राजनीतिक गलियारों में मचा हड़कंप। सपा मुखिया ने सत्ताधारी दल पर कसे तंज, जिसे सुन विरोधी रह गए दंग। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। कन्नौज, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का इत्र नगरी कन्नौज आगमन हुआ। कन्नौज के फकीरापुरा कार्यक्रम में शामिल होने के पश्चात सीधे लखनऊ जाने के प्रोग्राम को रद्द कर पूर्व मुख्यमंत्री देर शाम जनपद कन्नौज के शिक्षाविदों व समाज सेवियों में गिने जाने वाले एनसी टंडन के आवास पहुंचे, जिनका कुछ दिन पूर्व देहांत हो गया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय एनसी टंडन के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। सपा मुखिया के अचानक नगर आगमन पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में सुरक्षा व्यवस्था संभाली और पलक झपकते ही स्वर्गीय एनसी टंडन के आवास पर समाजवादियों का रैला उमड़ आया। सपा मुखिया के साथ कन्नौज जिलाध्यक्ष कलीम खां, पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरे और सयुस नेता हबीब हसन मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में सपा मुखिया ने भाजपा को घेरते हुए कहा, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस देश को और कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए हम सब लोग संकल्प ले रहे हैं, देश की खुशहाली के लिए, देश की तरक्की के लिए और देश के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा उन जनता के साथ हैं और जो भी काम कर सकते हैं देश कैसे मजबूत हो उस दिशा में लगातार काम करते रहेंगे। आज जिस गांव में गया उस गांव में कभी कलाम साहब आए थे, ईपीजे कलाम साहब आए थे, उन्होंने सौर ऊर्जा से गांव को बिजली देने का जो इंतजाम किया था, बिजली मिल रही थी, आज बिजली बंद हो गई मिलना और इस सरकार ने उस कारखाने को, उस प्लांट को चलाया भी नहीं। यहीं आसपास थोड़ी दूर उमरदा में पराग का एक मिल्क प्लांट लगवाया था, काउ मिल्क प्लांट, जिससे गाय के दूध के उत्पादन से जो चीज़ें बने वो बड़े शहरों में जाएं और बाज़ार में पहुँचे, मुनाफा सरकार को, लोगों को काउ मिल्क प्लांट के प्रोडक्ट से लाभ पहुँचाया जा सके, उन्हें मिल सके। वो भी काउ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग हैं वो आप बेहतर देख सकते हो, बच्चों को सुविधाएं नहीं, टीचिंग स्टाफ नहीं, आज के हिसाब से जो आधुनिक लैब बननी चाहिए या और सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। ये आधा अधूरा अभी तक पिछले कई वर्षों से काम पूरा नहीं कर पाई है सरकार। ऐतिहासिक महंगाई है सरकार में, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है और ये सब जानते होंगे चौतरफा भ्रष्टाचार चल रहा है सरकार में और देश के सौहार्द को मिटाने के लिए भी साजिश चल रही है
और जो देश के एकता का ताना बाना था उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो भाईचारा जो हमारी पहचान है मिलकर के रहने की उसको भी ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। नाउम्मीद गरीब हैं, अपने को ठगा महसूस कर रहा हुआ किसान, मेहनत के सही दाम पाने के लिए त्रस्त है मजदूर, मजदूर को भी अपनी कीमत नहीं मिल पा रही, ये हालत पैदा कर दी है सरकार ने। और जिस तरीके से काम पाने के लिए रोजगार पाने के लिए दर दर भटकता हुआ हमारा नौजवान है, हताश और निराश हो गया है, और सुनने में आ रहा है इसराइल में जहाँ युद्ध चल रहा है वहाँ के लिए भर्ती सरकार करा रही है, कह रही हाँ भूख से मर रहे हो तो जाओ वहाँ बम से मर जाओ जाके। ये सरकार है, और सड़क पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपको सरकार का सांड मार डालेगा। तो ये हालात हैं, जनता ने मन बना लिया है पीडीए के साथ रहेंगे, पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए 90% आबादी की आवाज है, 90% वो लोग जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जिनको सरकार ने दूर कर दिया है, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो, नौकरी हो, रोजगार हो, उनसे दूर करने का काम 90% लोगों को किया है। इस बार 90% लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। सपा मुखिया ने कन्नौज के छात्रों की समस्याओं के समाधान की बात कही, साथ ही यूपी में इंडिया गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि ये गठबंधन सीट का नहीं जीत का गठबंधन है। देखिए ममता जी ने लड़ने के लिए कहा, इसलिए कांग्रेस को मनाना चाहिए, कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है छोटे दलों को साथ लाने की। अंकल छात्रों की आवाजों को दबाया जा रहा है। कोई आवाज नहीं दबाएगा, अगर कोई दबा रहा है तो माइक से बोल दो अभी। मैं जानता हूँ बता दिया, उसे पर्ची दे दिया। नहीं, मैं इन छात्रों की भी समस्या का समाधान करूंगा, मुझे लिख करके देना जिससे सदन में उठाया जा सके। अभी किसी से शिकायत मत करो यहाँ पर, मुझे लिख के दे देना। मैं जानता हूँ तुमने पर्चे दे दिया है, बीरेन जी के परिवार के हो। भैया यूपी में गठबंधन की राय बन गई है, बहुत अच्छा गठबंधन हो रहा है, और सीट का नहीं है जीत का गठबंधन है। ये कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी? सीटें की संख्या कितनी भी हो सकती है, गठबंधन जीत के आधार पर है, जीत ही हमारा बंटवारे का रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि इंडिया गठबंधन अब भटकने लगा है। वो खुद ही भटके हुए लोग हैं, बीजेपी के लोग भटके हुए लोग हैं, बीजेपी के लोग किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए, नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, और खैर कन्नौज के लोग आप समझिए प्रदेश देश भूल जाइए, कन्नौज को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने, क्या नहीं कर दिया बर्बाद? ये सड़कें वही हैं जो समाजवादियों ने बनाई, ये फोर लेन जिसमें चल रहे हो आप ये समाजवादियों ने बनाई, एक्सप्रेस वे समाजवादियों ने बनाया, नहर के किनारे वाली सड़क समाजवादियों ने बनाई, और जो समाजवादी ने बनाया उसके अलावा एक काम और किया हो तो बता दो। सपा मुखिया ने बिहार में चल रही राजनीतिक उथल पुथल पर बड़ी बात कहते हुए कहा कि हमें यकीन है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, वह इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, इसी के साथ वर्तमान सरकार को घेरते हुए कहा। भैया एनडीए में नीतीश कुमार की जाने की शुरुआत हो गई है, ये कोई शुरुआत नहीं है, हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। भैया आज का चुनावी बिगुल है, आज से बिगुल बहुत पहले बज चुका है, सुना नहीं तुमने? बिगुल तो पहले बजा, तुम्हारे कानों तक आवाज नहीं आई, पता नहीं क्यों। ज्ञानवापी सर्वे शुरू हो गया, ये इसलिए कर रही है सरकार क्योंकि चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं की, किसान से पैसा लेकर के ये विकसित भारत योजना चला रहे थे, तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे ही कदम उठाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो ताना बाना है भाईचारे का, एकता का ताना बाना है, उसको तोड़ने की साजिश है। क्या आप कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी कन्नौज से लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सफाया होगा यहाँ से, और भारतीय जनता पार्टी घबराई घबराई घूम रही है, भारतीय जनता पार्टी घबराई घबराई घूम रही है, उन्हें लाइए इंजीनियरिंग कॉलेज में खड़ा करो छत पर और उनसे पूछो कितना काम किया उन्होंने, और मंडी क्या मंडी पे मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल में
मंडियों में और परफ्यूमरी पार्क में, स्टेडियम में, लोहिया पार्क में, जनेश्वर मिस गांव में, और 100 नंबर वाली 112 करके पुलिस को बताओ खुली छूट दे दी कि नहीं दे दी। ये हमारे प्रेस के लोग भी सच नहीं बोल सकते, अगर सच बोला तो पुलिस भेज दे इनके घर पे। सपा मुखिया ने अग्निवीर को लेकर सरकार को घेरा, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की बात करते हुए कहा कि नौजवान बेरोजगार हैं, महंगाई चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जिस प्रकार पहले फौज में भर्ती हुआ करती थी वैसे ही भर्ती हुआ करेगी, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाएगी। ये अग्निवीर व्यवस्था, ये नौजवान संकल्प ले चुके हैं इस बार, ये नौजवानों ने संकल्प लिया है कि जहां इनकी बेरोजगारी है, पढ़ाई अच्छी मिल नहीं पा रही है, दर दर भटक रहे हैं नौकरी रोजगार के लिए, और अग्निवीर व्यवस्था जानबूझ करके सरकार लाई है जिससे जहां हमारे गांव के बच्चे नौकरी रोजगार पा जाते थे, उनका जीवन स्तर बेहतर हो जाता था, उस जीवन स्तर बेहतर न हो पाए इसलिए अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किए हैं। समाजवादी सरकार ये संकल्प दिलाती है नौजवानों को। आज गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरीके से फौज की पहले भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती होगी, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म की जाएगी। सपा मुखिया ने कन्नौज में सपा सरकार में कराए गए कार्यों को गिनवाया और पत्रकारों की निष्पक्षता पर भी उंगली उठाई, साथ ही पत्रकारों को निष्पक्ष खबरों को चलाने को कहा और मजाकिया अंदाज में कहा कि आप ना घबराएं, ईडी आप तक नहीं पहुंचेगी, आपके पास है ही क्या। नहीं, हम लोग सपोर्ट करते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं चलाइए, कौन रोकता है तुम्हें? हैं? तुम पे ईडी नहीं आई, तुम पे है नहीं कुछ। बंगाल में भैया आलू मंडी तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। क्या नहीं काम कर रही? आलू मंडी में कोई विकास नहीं हुआ। मैंने बीजेपी वालों ने कोई आलू खरीदा आज तक? एक किलो आलू नहीं खरीदा। सुनो भैया, ठटिया में हुआ दशा है, वहाँ पे कुछ नहीं है। ठटिया में तुम हो भाई, ठीक करो दशा, और हमारी पार्टी की दशा ठीक कराओ, और जो बातें पार्टी की है वो पार्टी वाले में बात करेंगे। जो लोग खिलाफत करते थे, जो बीजेपी के साथ प्लॉटिंग करते, वो भी आ जाते हमारी मीटिंगों में, करें क्या? है ना, करें क्या बताओ? ये आपके लोग नहीं है, ये बीजेपी के एजेंट है कुछ लोग। इसलिए साधारण है ना, जैसे पत्रकार साथियों में हमारे वैसे पत्रकार मित्र हैं, लेकिन ये ले जाएंगे सुनाई जाके, देखो ये आपके लिए बोला गया है। हम लोग की क्लिपिंग पहुंचती है भैया, तुम ही देते होगे ममता जी अकेले चुनाव लड़ने के लिए कह दिया है,